एक्सपोर्टिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स, ये इस टॉपिक का नाम है, इस ट्यूटोरियल का, इस कोर्स का, इस वीडियो का नेम है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि हम पिछली वीडियोस के अंदर देखा है, सीखा है कि कैसे क्रिएट की है, कैसे बनाई है हमने, वो हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, शेयर कैसे करेंगे, उसको कंप्लीट कैसे करेंगे और उसकी फिर एक्सपोर्ट उसको कैसे करेंगे, वो क्या सर्टेन फीचर्स हो सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने वो वीडियो जो मैंने पावर पॉइंट की बनाई थी वो मैंने यहाँ पे ड्रैग की अपने टाइम लाइन पे। इसको जब मैं टाइम लाइन पर ड्रैग करूँगा तो मुझे आपसे इस पे से ये नज़र आएगा कि इसके लिए मुझे सबसे पहले मार्कर्स जो हैं वो ऑन करूँगा, मैं अपने मार्कर्स और व्यू ऑन करूँगा पावर पॉइंट के लिए, सो दैट मुझे पता लग जाए कि जी मेरी स्लाइड्स क्या हैं, वो जैसे कि हमने डिस्कस की थी स्लाइड वन, स्लाइड फोर, स्लाइड थ्री। इसी तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, प्रोड्यूस एंड शेयर में जाऊंगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं, इसके अंदर मैं स्क्रीन कास्ट पे कर सकता हूँ, यूट्यूब पे कर सकता हूँ, MP4 अप टू 480p कर सकता हूँ। अगर मैं 480p करूँगा तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन उसकी डिफरेंट हैं। इसी तरह अगर मैं MP4 अप टू 1080 करूँगा उसकी डायमेंशन डिफरेंट है। लेट सपोज हम 480p चूज़ करते हैं। अब इसमें देखें तो मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंटरेक्टिव फीचर्स सच एज TOC, क्विजेज, हॉटस्पॉट्स एंड मेनी अदर फीचर्स इंक्लूडेड हैं। डायमेंशन स्पेसिफिक हैं, 854 से 480, जो कि मैंने 480p सेलेक्ट किया है वो वहीं तक रहेगा। अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास जो नेम है मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मर्जी करूँ। उसके बाद मैं अपना जहाँ मैंने सेव करना है उसका ब्राउज कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ कि जी मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव करना है या यहाँ कहीं पे भी किसी और जगह सेव करना है, तो मैं वहाँ पे उसको सेव कर सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने डेस्कटॉप पर सेव करना है, सो मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद इसके बाद मैं ऑर्गेनाइज प्रोड्यूस फाइल्स इन सब फोल्डर्स क्रिएट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, प्रोडक्शन रिजल्ट शो होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्ले वीडियो आफ्टर प्रोडक्शन प्ले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब भी मैं इसको फिनिश करूंगा तो रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है। और रेंडरिंग स्टार्ट होने के बाद आप ये देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप पे कहा था तो ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे फोल्डर बन रहा है। इस फोल्डर को अगर मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर सर्टन फोल्डर्स सब फोल्डर्स बने होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेक बॉक्स को चेक किया था, तो इसलिए इसके अंदर कुछ फोल्डर्स बनने शुरू हो जाएंगे साथ साथ जिस तरह ये रेंडरिंग कम्प्लीट होगी।